उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जून को मथुरा दौरे पर रहेंगे। सीएम अपने नए परिषद कार्यालय का उद्घाटन करने मथुरा आ रहे हैं। बता दें कि वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए परिषद के नए कार्यालय में मुख्यमंत्री का भी ऑफिस बनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों से बैठक कर मथुरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही सबसे पहले ब्रज के विकास और यहां के तीर्थ स्थलों के संरक्षण के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की घोषणा की थी और फिर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था। जानकारी के अनुसार 1500 वर्ग फीट क्षेत्र में बने इस 3 मंजिला भवन में मीटिंग हॉल के अलावा अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई गई है। इस भवन को बनाने में 8,60,00,000 रुपए की लागत आई है। परिषद के कार्यालय को ब्रज के धार्मिक स्वरूप के अनुरूप बनाया गया है। पूरे भवन को लाल पत्थर से बनाया गया है। इस भवन की 3री मंजिल पर मुख्यमंत्री योगी का कार्यालय, उपाध्यक्ष का कार्यालय और सभागार बनाया गया है। तो वहीं डिप्टी सीईओ और अन्य कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था 1ली मंजिल पर है। वहीं परिषद के ग्राउंड फ्लोर पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ देश की पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी को 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। सिस्टम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। योगी ने अफसरों से कहा कि प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। यूपी के पास MSME 96,00,000 यूनिट्स का बेस है, इसे बढ़ाने के लिए प्लान बनाने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का हब बनाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। बड़े शहरों को अलग अलग सेक्टर्स के हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। और अब जान लेते हैं कि अगर लखनऊ AICT बनता है तो क्या फायदे होंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लखनऊ में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम जैसी व्यवस्था लागू होगी। इससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे बिजली की खपत कम करने में मदद मिलेगी और रियल टाइम डेटा मिलेगा। सड़कों को सेंसर और CCTV से लैस किया जाएगा, इससे शहर का रियल टाइम डेटा मिलेगा, इमरजेंसी की स्थिति में सही फैसला लिया जा सकेगा। तो वहीं हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस भी दिया जाएगा। यूपी के 1,25,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज से 2 दिन बाद यानी कि 27 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शिक्षा मित्रों की लंबित मांगों पर चर्चा होगी। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधान परिषद के VVM समीक्षा समिति की ओर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 1,25,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस संबंध में PTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि साल 2018 के बाद से शिक्षा मित्रों के वेतन में इजाफा नहीं किया गया है। फिलहाल वो 10,000 रुपए की सैलरी पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो लंबे समय से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, जिसके तहत अब छात्रों को नैतिक योग, खेल और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा और विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक 9वीं से लेकर 12वीं तक के नैतिक शिक्षा के कोर्स में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा जोड़ी गई है। इसके साथ ही कंप्यूटर के कोर्स में भी कई चीजों को शामिल किया गया है। यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में जो बदलाव किए हैं, उनकी पढ़ाई इसी साल यानी 2023-24 सत्र से शुरू हो जाएगी, जिसमें 10वीं कक्षा के सिलेबस में नई चीजें शामिल करने का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी बोर्ड के विषय विशेषज्ञों ने इन महापुरुषों के नाम की लिस्ट शासन को भेजा था। 9वीं से लेकर 12वीं तक के करीब 1 करोड़ बच्चे इस नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे। और अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। अब सिमटने लगी है फिल्म आदि पुरुष की कमाई। जी हाँ, रिलीज के 8वें दिन यानी बीते शुक्रवार को इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सिर्फ 3 करोड़ 25 लाख। 600 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अब तक 269 करोड़ 15 लाख की कमाई की है। ये आपने सभी भाषाओं को मिलाकर है। अगर सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 132 करोड़ 95 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 8 दिनों में अब तक 420 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं मुंबई के गेयटी गैलेक्सी थिएटर में शुक्रवार को 2 शोज कैंसिल कर दिए गए, जिससे थिएटर मालिकों में नाराजगी है।